Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूँ। साधारण ब्याज की अपनी 5 क्लासें हो चुकी है, ध्यान देना अपना एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जितना हो सकता है उतना इसी में कवर करने की कोशिश करें। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने शुरुआत में ऐसे ही कि जब तक बाकी लोग जुड़े तब तक एक काम करें, छोटा सा क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आ गया तो करते हैं एक बार, ध्यान देना क्या करोगे। किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि के मिश्रधन का 2/7 गुना है। यदि समय 4 वर्ष है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसे ही, जब तक बाकी लोग जुड़े जब तक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो क्या करोगे मुझे आप लोग ये बताओ। क्या मैं मिश्रधन को अगर 7 मान लूँ तो क्या साधारण जो ब्याज होगा वो क्या इस मिश्रधन का यानी इस 7 का क्या 2/7 ही बोला गया था क्या? क्या मुझे इतना समझ में आया कि अगर मिश्रधन अगर 7 है तो साधारण ब्याज कितना होगा? 2 रुपये। तो मुझे आप लोग ये बताओ, अपने को जब दर निकालनी होती है, आर परसेंट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या अपन ये नहीं कहते क्या एसआई गुणा में 100 अपॉन में क्या पी गुणा में टी? और यहां मुझे पी की जरूरत पड़ेगी क्या? और समय की वैल्यू तो ऑलरेडी 4 वर्ष दे रखी है, और जब समय की वैल्यू दे रखी है तो पी की जरूरत पड़ेगी। अपने को पता है मिश्रधन अगर 7 होगा तो साधारण ब्याज कितना होगा? 2 रुपये। तो क्या यहां से यहां पर पहली चीज तो साधारण ब्याज था वो तो रख दो, 2 में कितना 100 अपॉन में पी की जो वैल्यू आएगी इन दोनों का डिफरेंस, और वो डिफरेंस कितना आएगा? 5 इंटू में कितना समय कितना 4, और आर की वैल्यू निकालोगे 5 और 20 से कितनी बार गया 5 बार, और कितना आएगा 10%। आर की वैल्यू कितना आई? 10%। क्या सभी लोग जुड़ चुके हैं क्या? तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो अब अपन शुरुआत करते हैं कुछ नए क्वेश्चन से, एक बार ध्यान देना कैसे करना है। चलो ध्यान दो, एक शानदार सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना एक बार क्या बोला गया है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, और उसके 6 महीने बाद उतनी ही धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो एक निश्चित समय पश्चात इन दोनों धनराशियों का से समान धन प्राप्त होता है। इन दोनों धनराशियों से समान धन प्राप्त होता है, यानी ये किसकी बात कह रहा है? ये दोनों धनराशि समान धन की बात कर रहा है, तो ये मिश्र धन की बात कर रहा है, ये बात जरूर समझ लेना आप लोग। तो उसके प्रत्येक भाग का मिश्र धन यहां पर कितना होगा? प्रत्येक भाग का मिश्र धन 6720 होगा। तो प्रत्येक भाग की धनराशि ज्ञात करो, ये आप लोगों को निकालना है। एक बात समझने की कोशिश करना, मुझे बताओ क्या मैंने आपको यह समझा रखा कि बेटा यह मिश्र धन बराबर 100% प्लस में आरटी परसेंटेज, ऐसा ही कुछ होता है? होता है ऐसा कुछ? तो ध्यान दो, एक काम करते हैं, मैं इसको 100 मानकर ही हल करके बताता हूं। अगर प्रत्येक भाग का मिश्रधन बराबर है और यहां निवेशित समय को मैं एक बार निवेशित जो समय है उसको अक्ष मान सकता हूं क्या? इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर मैं मूलधन को 100 मानता हूं तो मुझे आप लोग बताओ कि मिश्रधन निकालोगे तो क्या इस 100 का कितने परसेंट दर से? 6% दर से। कितने वर्ष समय का? एक्स वर्ष का। साधारण ब्याज अगर और जोड़ दोगे तो क्या ये मेरे पास मिश्रधन होगा क्या? फर्स्ट कंडीशन में यानी 6% पर जो निवेशित धन था, अगर मैं उसका मिश्रधन निकालना चाहूं, अगर आपने प्रत्येक भाग की धनराशि को 100 माना है तो क्या 100 प्लस में 100 गुणा 6 गुणा एक्स अपॉन में क्या 100 बोलोगे क्या? इसी प्रकार से सेकेंड टर्म्स क्या कहती है? सेकेंड टर्म्स अपने को यहां पर दोस्तों ये कह रही है कि मूलधन तो वही उस यानी समान धनराशि की बात कर रहा है, यहां पर ध्यान देना एक बार, ये उतनी ही धनराशि की बात कर रहा है, तो क्या 100 ही तो निवेश करेगा क्या? और 100 निवेश कर रहा है तो यहां कितना 100 रुपए का 8% की दर से, कितने समय का? उससे पहले जो समय निवेश किया था उससे 6 महीने कम था, और पहले क्या कितने समय के लिए? अक्ष समय के लिए निवेश किया गया, तो अक्ष माइनस में कितना 1/2 समय आएगा या नहीं आएगा बताओ भाई? 1/2 कहां से? 6 महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर दो, और वर्ष में कन्वर्ट किया तो माइनस का 1/2 लगा दिया, अपॉन में कितना क्या 100 लिखोगे क्या? ये दोनों भाग आपस में इस प्रकार से बराबर थे तो क्या करोगे आप लोग? ध्यान देना एक बार, यहां से अगर आप लोग सॉल्यूशन करोगे, ये इधर उधर ले जाके इसको मैं माइनस कर सकता हूं क्या? और माइनस करोगे तो क्या 100 से 100 कट भी तो जा रहा है?
और यहां भी 100 से 100 कट रहा है और यहां भी 100 से 100 कट रहा है, तो क्या ये दोनों भाग बराबर, तो क्या 6x बराबर आया क्या मेरे पास में, यहां से 8x गुणा करवा दो इस कोष्टक के साथ में, तो क्या होगा माइनस का 8 गुणा में 1 बटा 2 यानी कितना आ रहा है 4। इस x को इधर लोगे तो बचेगा क्या माइनस का 2x और उधर कितना बचा माइनस का 4 और माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कितनी बार गया 2 बार और x की जो वैल्यू आई वो कितना आएगी भाई 2 वर्ष। अगर कई बार तो आपको पूछता है ऐसी कंडीशन देखकर कि आपको इतना ही बोल देगा, यहां तो वैल्यू दे दी और आपको मूल धनराशि पूछी है, या फिर आपको यह भी पूछ सकता है कि यहां प्रथम धन को, यानी ऐसी कौन सी स्थिति है, क्वेश्चन सुनना एक बार ध्यानपूर्वक, मैं पहले थोड़ा सा क्वेश्चन से हट रहा हूं एक बार यहां से। क्वेश्चन क्या बोल सकता है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो 6 महीने बाद उतनी धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और निवेश करता है, तो एक निश्चित समय पश्चात दोनों से समान धन प्राप्त होता है, तो दोनों भागों के निवेशित समय को ज्ञात करो, तो वो या तो आप लोगों को वो चीज भी पूछ सकता है, दोनों भागों के निवेशित समय को ज्ञात करो, समय आपने निकाला x बराबर कितना आ गया था 2, यानी पहले भाग के लिए पूछा जाए तो 2 वर्ष, दूसरे भाग के लिए कितना उससे 6 महीने कम कितना होगा 1 से 1/2 वर्ष, ये भी आप लोगों को पूछ सकता है। तो इतनी बात समझ में आ गई x बराबर कितना होगा 2। अब किसी में भी जो मर्जी आए वहां पर वैल्यू पुट कर दो, मुझे आप लोग ये बताओ, यहां पर मैंने ये समझाया भी था कि मिश्र धन हमेशा बराबर होता है 100% मूलधन होता है, तो क्या r गुणा t% के इक्वल, ये बहुत बार मैंने समझा दिया है क्वेश्चनों में, तो क्या मुझे बताओ यहां समय की वैल्यू 2, आर की वैल्यू कितना 6 और दोनों तरफ से बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मुझे बताओ यहां मूलधन तो 100% माना आपने, 100 माना या नहीं माना, और 100 माना तो अपने आप में 100% है, प्लस आर गुणा में कितना t%, आर की वैल्यू कितना 6 और टी की वैल्यू कितना है भाई 2 है क्या, और क्या 112% की जो वैल्यू है वो मेरे पास में दे रखी है 6720 कितना 720, और मुझे बताओ 112 से कट भी रहा है वार्षिक गण बेहतर और 6 एकम 6 और कितनी बार जाएगा क्या 60 बार जाएगा क्या, 1% की जो वैल्यू आई वो 60 के बराबर आ गई और P हमेशा अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100 × में कितना 60 और ये कितना आएगा 6000 आंसर आया क्या आपका, क्या ये आंसर 6000 आ रहा है क्या, और यहां से आपको पूछा था प्रत्येक भाग की धनराशि बताओ, तो प्रत्येक भाग की धनराशि कितना होगी 6000 रुपये। अब ध्यान देना एक बार समझने की कोशिश करना, क्या करोगे देखो क्या क्या चीजें मिश्र धन अपने को बराबर बोल रखा था, ये बोला हुआ था, अगर कोई स्टूडेंट दूसरे अकॉर्डिंग निकालना चाहता है और दूसरे अकॉर्डिंग निकालेगा तो मुझे बताओ 100% तो मूलधन कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्या था आर गुणा टी परसेंट, आर की टी की वैल्यू कितना 3/2 वर्ष और आर की वैल्यू कितना थी 8%, 2 से कितनी बार गया 4 बार, फिर भी क्या 112% ही आ रहा है क्या, क्या मिश्र धन बराबर ही आ रहा है क्या 112% ही आ रहा है क्या, फिर वैल्यू रखोगे फिर वही 6720 के, फिर भी आंसर कितना आएगा क्या पी की जो वैल्यू निकालोगे वो भी 6000 के बराबर आएगा, तो दोनों में जहां मर्जी आए दोनों कंडीशन आप वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या कर पाओगे आप लोग, चलो ठीक है ध्यान देते हैं एक इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो चलो ध्यान देना अगला ही क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, 2 वर्ष बाद उतनी धनराशि को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और निवेश करता है, तो एक निश्चित समय पश्चात दोनों के समान धनराशि प्राप्त होती है, तो 12% दर पर निवेशित धनराशि का समय ज्ञात करो, वही क्वेश्चन है सेम एज इट इज दिया है, आप लोग जो जहां पर बैठे हुए वहीं से एक बार हाथों हाथ आंसर देने की कोशिश करना एक बार देखना, और जब तक मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं क्या करोगे, अभी मैंने क्या समझाया मिश्र धन कितना 100 मूलधन कितना 100 और प्रत्येक भाग की राशि समान थी इसलिए यहां 100 बोला है मैंने दोनों जगह, और यहां कितना 100 और क्या 100 का 12% की दर से टी समय का ब्याज क्या इसी प्रकार से निकालोगे क्या, और ये क्या मिश्र धन होगा और वो बराबर है किसके, मुझे बताओ मूलधन कितना 100 और यहां पर कितना होगा 100 का 15% की दर से टी माइनस कितना 2 वर्ष के लिए था क्या, और अपॉन में कितना आएगा 100 और 100 से 100 कट जाएगा और ये यहां 100 से 100 कटेगा और यहां पर भी क्या होगा 100 से 100 कटेगा, तो क्या आएगा 12t बराबर है क्या मेरे पास 15t माइनस कितके 30 के, और ये 15t को इधर ले लोगे तो यहां तो कितना बचा माइनस का 3t माइनस का किसके 30 के बराबर बचा क्या,
और माइनस से माइनस कट जाएगा और टी की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे और यहां तीन से कितनी बार जाएगा 10 बार और टी की वैल्यू कितना आएगी 10 वर्ष। तो 12% दर पर निवेशित समय ज्ञात करो तो कितना आएगा 10 वर्ष। अगर आपको पूछा जाए 15% दर पर निवेशित धनराशि को ज्ञात करो तो समय निकालना होगा तो क्या करोगे आप लोग 15 और यहां कितना आएगा सॉरी 10 माइनस कितना 2 कितना आ रहा है 8 वर्ष। क्या कर पाओगे? अब ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शनली देखो कैसे चेक करोगे, ध्यान देना। ऑप्शनली अगर कोई चेक करना चाह रहा है तो इसको डायरेक्ट भी इतना, अब ये 2 लाइन का काम था परंतु अब ध्यान देना, मैं एक बार ऑप्शन माध्यम और रख देता हूं यहां पर। क्या करोगे, जैसे मेरे पास में आंसर मेरे को तो अभी पता है जस्ट, और मैंने ये कह दिया बेटा यहां मान लो इसका जो आंसर अपने पास में 10 था ना, तो मैंने इसको उठाया। मिश्रधन दोनों बराबर होने चाहिए, बात वही दिमाग में आनी चाहिए। तो यहां तो मूलधन तो कितना 100 का कितना, यहां पर अगर किसी ने 10 ऑप्शन उठाया तो 12 गुणा में कितना 10, और वो बराबर होना चाहिए 12 गुणा में 10 और वो बराबर होना चाहिए 100 का 15% की दर से। अब दिमाग में वो चीज आने से 2 वर्ष बाद निवेश किया गया था तो कितने वर्ष के लिए 8 वर्ष के लिए, और यहां कितना अपॉन में कितना 100 और प्लस में कितना होगा 100, ये भी मूलधन भी तो होगा क्या, तो क्या दोनों धनराशियां बराबर। और यहां आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ये उधर जाके माइनस का तो 100 से 100 रख देना, 100 से 100 यहां कट रहा है, और क्या 12 और 10 का गुणा करोगे क्या 120 आ रहा है क्या, और या 15 और 8 का गुणा करोगे 120 क्या। मिश्रधन दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, अन्यथा क्या होगा गलत होगा। क्या कर पाओगे इस चीज को, चलो ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति बैंक से 7,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से का उधार लेता है। एक व्यक्ति एक बैंक से 7,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और 3 वर्ष बाद वह मूलधन बैंक को मूलधन में से 3,000 रुपये लौटा देता है। उसके 2 वर्ष बाद 5,450 रुपये देकर अपना सारा बकाया चुकता कर लेता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ध्यान देना, एक बार समझने की कोशिश करना। मैंने आज कोई धन उधार लिया है और 3 वर्ष बाद अगर मैं उसमें से कुछ धन लौटाता हूं, यहां ध्यान रखना हमेशा एक चीज, साधारण ब्याज में मूल रकम पर ब्याज लगता है, और मूल रकम पर ब्याज लगता है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा हूं यहां पर कि मैंने 7,000 तो उधार लिया और 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 3,000 मूलधन में से लौटाया। उधार तो कितना लिया भाई 7,000, लौटाया कितना 3,000, तो फिर शेष कितना बचा मूल रकम में से। आप बोलोगे सर 7,000 माइनस कितना 3,000, और आपने कहा सर 4,000 रुपये शेष बचा, 4,000 रुपये शेष बचा। अब क्या करोगे अगली बार, ध्यान देना एक बार, अब क्या बोला गया मुझे बताओ। अगर आपसे पूछा जाए बेटा टोटल धन बताओ, इसमें टोटल धन कितना चुकाया था उसने, इस स्लैब में उसने पेमेंट को चुकाया था, और ये कहा था बेटा एक बार 3,000 चुकाया, एक बार 5,450 चुकाया, तो टोटल उसने जो टोटल मिश्रधन था वो मेरे पास कितना होगा भाई, क्या 3,000 और प्लस में कितना 5,450 रुपये, यही तो लौटाया, वही तो ब्याज सहित लौटाया, नहीं लौटाया टोटल, क्या ये ब्याज सहित लौटाया हुआ है। और मुझे बताओ यहां से क्या उसने 8,450 रुपये धन लौटाया क्या। अभी आपसे मैं इतना पूछूं बेटा यहां से मुझे बताओ ब्याज कितना लगा उसको, और आपने क्या कहा सर इस मिश्रधन में से अगर मैं जो उधार ली थी वो राशि घटा दूं तो क्या वो मेरे पास में जो ब्याज आएगा, यानी 8,450 में से अगर 7,000 रुपये बाहर निकाल दूं तो 1,450 रुपये मैंने ब्याज के रूप में लौटाया। अब समझने की कोशिश करना, अब कैलकुलेशन क्या कहती है। मैं ये कहूंगा आज मैं उधार ले रहा हूं तो क्या 3 वर्ष तक, 3 वर्ष बाद लौटा रहा हूं तो क्या 3 वर्ष तक तो इस 7,000 रुपये का, 3 वर्ष तक तो क्या इस 7,000 रुपये का ही तो मेरे ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा। और मैं यहां पर दर को एक काम करता हूं, इस दर को मैं आर ही बोल देता हूं, और दर को मैंने आर मान लिया तो क्या बताओ इसका ब्याज नहीं निकाल सकते क्या, और ब्याज निकालोगे तो 7,000 रुपये का 3 वर्ष का ही तो ब्याज यहां से लगा था पहली कंडीशन में। तो फिर अगली ही कंडीशन क्या बोला गई, 3,000 मैंने मूल रकम में से लौटा दिया तो आगे जो ब्याज लगना है वो क्या इस शेष रकम का ही तो ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, और आपने क्या कहा सर प्लस ये रहो कर दो, और क्या 4,000 रुपये का 8% की दर से कितने वर्ष का ब्याज भाई, इसके 2 वर्ष बाद लौटाया तो क्या ये 4,000 रुपये का 2 वर्ष का ही तो ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा बताओ भाई। 3 वर्ष ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, शेष धन का 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, अगर इन दोनों को मैं सम करता हूं तो मुझे आप लोग ये बताओ क्या वो ये दोनों का क्या है, दोनों यानी दोनों कंडीशंस में क्या ये टोटल मेरे पास साधारण ब्याज तो निकल के आ रहा है नहीं आ रहा। और एक बार अपन ने कैलकुलेट किया तो इस कंडीशन में जो ब्याज था वो कितना था भाई 1,450।
तो क्या दोनों बातें बराबर भी रख सकते हो क्या? यहां से दो जीरो से दो जीरो कट रहा है क्या, और यहां से दो जीरो कट रहा है। ये तो कितना हो गया, सात या इक्कीस, क्या 210 आर प्लस साइन लगा दो और चार दूनी आठ, और क्या ये 80 आर, और वो बराबर है क्या 1450 के? क्या ये बराबर है 1450 के? दोनों का सम करोगे और 290 आर की जो वैल्यू आ रही है वो 1450 के जीरो से जीरो काट दो, और 29 से 145 कितनी बार जाएगा, क्या पांच बार जाएगा क्या? और आर की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आई भाई, क्या 5% आ रही है क्या? क्या समझ तो पा रहे हो सारी बातें? अगर ये सारी बातें समझ में आई है तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर उससे पहले ध्यान देना आप लोग, जहां भी हो आप लोग, जहां पर बैठे हो वहां आप लोग बैठे बैठे जब भी जैसा कोई नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आता है, सिमिलर क्वेश्चन आता है, आप लोग निकालने की कोशिश करो ताकि माइंड चलना शुरू करे। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आप लोग जहां तक मेरे पास है मैं उतना कोशिश करता हूं आप लोगों को करवाने की, एग्जांपल्स को ज्यादा से ज्यादा करवाने की। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना एक बार, ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति बैंक से 12,000 रुपए की राशि 8% ब्याज दर पर उधार लेता है, 3 वर्षों बाद वह मूलधन का 6,500 रुपए लौटा देता है, तो 2 वर्ष बाद वह बैंक को कितने रुपए दे कि उसका सारा बकाया चुकता हो जाए, ये आपसे पूछा गया था। तो ध्यान देना एक बार, अभी जस्ट मैंने समझाया था, सिमिलर वही बात है। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए तो उधार लिए थे और कितने वर्ष बाद लौटा रहा है, 3 वर्ष बाद 6,500 लौटा रहा है, तो क्या शुरुआत में 12,000 रुपए का कितने परसेंट की दर से, 8% की दर से लगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या ऐसे ही निकालोगे क्या? फिर 3 वर्ष तक तो 12,000 का ब्याज लगेगा, उसके 3 वर्ष बाद 6,500 रुपए लौटा रहा था, और 6,500 रुपए लौटा रहा था तो मुझे आप लोग ये बताओ 12,000 में से 6,500 लौटा दिया तो बचा कितना, 5,500 रुपए, 5,500 रुपए बचा, और कितने वर्ष के लिए बचा भाई, 2 वर्ष बाद वह बैंक को कितने रुपए दे, तो कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और ब्याज की जो दर है वो क्या 8% ही है क्या, और 8% ब्याज की दर है तो बटा में कितना 100। तो क्या यहां से इन दोनों का इन टोटल पर यानी इस कंडीशन में टोटल जो साधारण ब्याज लगा है वो लगा कितना वो अपन कैलकुलेट करना चाहें, तो क्या इन दोनों का सम कर दो, और यहां आप लोगों को 2,0 से 2,0 कट रहा है क्या, और यहां भी 2,0 से 2,0 कट रहा है, कितना आएगा यहां से, क्या यहां से ये तो हो गया मेरे पास में कितना आ रहा है 5, यहां 110, और ये कितना आएगा 800, कितना 80 रुपए, और ये कितना आ रहा है यहां से कैलकुलेट करोगे, और यहां से कितना आएगा 12 तिया 36, और ये कितना हो गया 36, 6 × 48 बचा कितना 4, और 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया 2800, कितना 80 रुपए आ रहा है क्या? तो टोटल जो यहां पर मेरे पास जो टोटल यहां पर ब्याज जो मिला है इन दोनों कंडीशंस में वो टोटल ब्याज कितना मिला है यहां से, ये क्या मेरे पास 8 और 8 16 और 17, एक और कितना आएगा क्या 3760 आ रहा है क्या? क्या यहां पर जो टोटल जो ब्याज आ रहा है वो कितना मेरे पास 3760 रुपए आ रहा है क्या, और टोटल ब्याज तो है 3760 रुपए, और मुझे आप लोग बताओ मूलधन कितना था 12,000 रुपए, 3760 रुपए ब्याज लगा तो टोटल लौटाना कितना उसको, क्या 15,760 रुपए लौटाने हैं क्या? मैं बासाइन नहीं लिख रहा हूं, क्या 15,760 रुपए लौटाने हैं क्या? और 15,760 लौटाने हैं, और उधार यहां पर यानी मैंने क्या कहा, उधार तो 12,000 लिया, 3,760 रुपए ब्याज दिया, और टोटल कितना आया 15,700 कितना 60। और मुझे आप लोग यह बताओ कि एक साथ कितना लौटाना, 2 वर्ष बाद उसे एक साथ कितना लौटाना, यानी विद मिश्रधन के साथ में लौटाना उसको, यानी ब्याज के साथ में लौटाना है, तो क्या मुझे बताओ अगर मैं 15,760 रुपए में से जो प्रथम किस्त जो लौटाई गई थी उसको बाहर निकाल दूं तो शेष जो बचेगा वो मेरे पास में अंत में लौटाना है क्या, और शेष बचेगा कितना यहां से, क्या यहां से तो कितना बचा 200 कितना 60, और 15 में से 6 गया कितना आएगा 9, और ये कितना आ रहा है क्या 9,260 रुपए लौटाना पड़ेगा क्या? और यही तो तरीका था आप लोगों के लिए, क्या कर पाओगे आप लोग? उम्मीद करता हूं शायद आप लोग सही ढंग से कर पाओगे। बढ़े नेक्स्ट की ओर, चलो ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए का साधारण ब्याज बी है तथा बी का साधारण ब्याज सी है, यदि दोनों स्थितियों में दर और समय बराबर है तो एबीसी में क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया था। और वैसे ध्यान देना एक बार क्या बोला गया, एक काम करते हैं इस दर को मैं आर बोल रहा हूं और समय को मैं टी मान रहा हूं, तो क्या आप लोग क्या बोलोगे यहां से, सर जो
यहां पर इस ए का जो साधारण ब्याज अपने को दिया हुआ था, ए का साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, ए गुणा में आर गुणा में टी अपॉन में क्या 100, और क्या वो बराबर है क्या मेरे पास बी के, क्या ये इसी का साधारण ब्याज ही तो बी है या नहीं है, और यही तो आपको बोला गया था। और अगली बार ध्यान देना, इसको तो मैं समीकरण एक नाम देता हूं, अगली बार क्या बोला गया, इस बी का साधारण ब्याज सी है और बी का सेम दर और समय तक दोनों इक्वल थे, तो बी इंटू में आर इंटू में क्या टी अपॉन में क्या 100, और क्या वो इक्वल होगा क्या सी के, और ये क्या समीकरण नंबर दो कह सकता हूं क्या। तो क्या इन दोनों में संबंध, ए बी सी में संबंध पूछा था, तो मुझे बताओ समीकरण एक में अगर मैं दो का भाग दे दूं तो क्या यहां 100 से 100 कट जाएगा, आरटी से आरटी कट जाएगा, इधर बच्चे का क्या ए अपॉन में क्या बी, और क्या बराबर बचा क्या बी अपॉन में सी के, रेशियो कैसे तो लिखोगे और तिरछा गुणा करवाओगे तो क्या बचेगा बी स्क्वायर बराबर क्या ए सी, और यही आपसे पूछा गया था कि बी और ए सी में क्या संबंध है, यह आप लोगों को पूछा गया था, एबीसी में क्या संबंध है और ये आप लोगों को पूछा गया था। तो मुझे बताओ एसी बराबर क्या बी स्क्वायर, यही तो आप लोगों का आंसर होगा, या कर पाओगे आराम से, या अगर ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाएगा उस समय, या तो एक की वैल्यू पूछ सकता है, सी की वैल्यू पूछ सकता है कि एक की वैल्यू क्या होगी, ऐसा भी पूछ सकता है आपको, और ऐसा पूछेगा तो बोलोगे बी स्क्वायर अपॉन में सी, अगर आपको सी की वैल्यू पूछा जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन में क्या यहाँ पर ए, ये आप लोगों को कुछ भी पूछ सकता है, जो मर्जी आए वो चीज़ पूछ सकता है यहाँ से, अगर आपने संबंध को निकाल लिया तो जो मर्जी आए वो क्वेश्चन निकाल सकते हो आप लोग, क्या कर पाओगे इस चीज़ को। तो ध्यान देना एक बार, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, देखो एक बार फिर से, चलो ध्यान दो, 2,764 रुपए से 5 साल में प्राप्त साधारण ब्याज, 2,464 रुपए से प्राप्त साधारण ब्याज से 15 रुपए अधिक हो तो ब्याज ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया था। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि एक बार तो मूलधन मुझे ये दे रखा है, एक बार मुझे ये दे रखा है, और इन दोनों धनराशियों का जो अधिक जो धनराशि कौन सी है, 2,764 रुपए है क्या, और इधर कौन सी है 2,464 रुपए, और इन दोनों धनराशियों का जो अंतर है उसी का तो ब्याज मुझे 15 रुपए मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो क्या मुझे इतना समझ में आया कि अगर मैं पी की वैल्यू तो पुट कर दूं, 2,764 माइनस कितना 2,464 रुपए, और कितना आएगा क्या 300 रुपए पी की वैल्यू आएगी, और पी की वैल्यू 300 रुपए है और उसका जो साधारण ब्याज है वो मेरे पास कितना दे रखा है 15 रुपए, और मुझे आप लोग ये बताओ समय कितना दे रखा है यहाँ पर, क्या 5 वर्ष दिया हुआ है क्या। तो क्या आर की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्या, और आर की वैल्यू फाइंड करोगे तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर एस आई इंटू में क्या 100 अपॉन में क्या पी गुणा में क्या टी, और यहाँ एस आई की वैल्यू 15 है और यहाँ 100 इंटू में पी गुणा में टी, पी की वैल्यू कितना 300 और टी की वैल्यू कितना है 5, और R की वैल्यू निकालनी थी तो R की वैल्यू निकालोगे, 20 से 20 5 थी 15 से 15 गया, और R की वैल्यू कितना आई 1%, वही तो आप लोगों का आंसर था। क्या कर पाओगे आराम से, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।